ब्रिज जो है ना ओपन हो गया। ये जी ब्रिज, ये रोड, इसके ऊपर देखें जी। ये हमारा सिटी इतना खूबसूरत है कि यूरोप का भी कोई मुकाबला नहीं है किसी भी शहर का। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत, अंदर कितने शिप और जहाज और लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं, कितनी क्या नज़ारा है। यहाँ से लाइनें लगी हुई हैं ब्रिज पे, ये शिप पे जाने के लिए, और ये सारे शिप जो है ना इसलिए रात को भरे हुए हैं कि ये इन्होंने ब्रिज ओपन होने का लाइव नज़ारा देखना रिवर के अंदर से। आसिफ भाई कितने बजे खुलेगा ब्रिज? 1:15 पे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद गुमन के साथ मैं हूँ शाहिद गुमन, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख नईम साहब, जो बारबेक्यू रेस्टोरेंट के आनर हैं, और माशाल्लाह सेंट पीटर्सबर्ग में इनके 3 बड़े रेस्टोरेंट हैं। अभी हम जा रहे हैं ब्रिजिज पे, जो रात का टाइम है, तकरीबन 12 बजे का अभी टाइम है, 12:30 बजे का, 1:15 बजे रात को जो सेंट पीटर्सबर्ग के ब्रिज हैं जो रिवर्स के ऊपर हैं वो खुलते हैं, और दूर दराज से दूसरे शहरों से सयाह भी देखने के लिए आते हैं। वाइट नाइट जो रशिया में लंबी रातें और चांदनी रातें वो इख्तिताम पजीर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और मैं स्पेशली शेख साहब की दावत पे सेंट पीटर्सबर्ग आया हूँ, और अभी हम थोड़ी देर तक पहुँचेंगे रिवर पे और आपको नज़ारा दिखाएंगे। जो ट्रैवल विद गुमन के साथ जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो आज मास्को के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में जो पुल खुलते हैं रात के उस पहर जो ब्रिज खुलते हैं, वहाँ से बहरी जहाज जो है ना वो गुजरते हैं। जी शेख साहब बताइएगा ये ब्रिज क्यों खुलते हैं? ये यहाँ पर बड़े बड़े शिप आते हैं जो दूसरे शहरों से, दूसरे कंट्रीज से, तो वो फिर रात को ब्रिज ओपन होते हैं इसलिए कि उनको रास्ते से गुजारने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये एक हिस्टोरिकल और टूरिस्ट सिटी है, तो यहाँ पर टूरिस्ट रहते हैं, स्पेशल बहुत मशहूर है यहाँ पर। रात को तकरीबन 10-15 ब्रिजेज हैं यहाँ पर इस सिटी में, 10-12-15 ब्रिजेज, तो सब अपने टाइम टेबल के मुताबिक खुलते हैं और बहुत आवाम इंजॉय करती है। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है हमारे ये शिप्स की, और ये छोटे छोटे जो जहाज चलते हैं उसके अंदर लोग बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, म्यूज़िक चलता है। तो शेख साहब ये कितने बजे खुलते हैं और बंद कितने बजे होते हैं? ये हर ब्रिज का एक अपना टाइम शेड्यूल है। अच्छा, सबसे पहला कितने बजे खुलता है? ये मेरे ख्याल तकरीबन 12:40-12:50 पे खुलना शुरू हो जाते हैं, और सुबह 4 बजे तक हर ब्रिज के एक अपने टाइम शेड्यूल है, उसके मुताबिक खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। ठीक है। तो लोग इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये वाइट नाइट्स देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने, ये बहुत मतलब कि एक सिटी का बहुत खूबसूरत सिटी है देखने वाला। तो और शेख साहब ये आजकल रात कितने पहर की रह गई है, कितना टाइम, कितने घंटे की, और सूरज कब ग्रूब हो रहा है पीटर्सबर्ग में, और तलू कब हो रहा है? अभी तो वैसे जो है 15, आज हमारे कितनी 22-23 जुलाई हो गई, 25 जुलाई, तो वैसे तो वाइट नाइट्स तकरीबन इख्तिताम पे हैं, ख़त्म हो गई हैं तकरीबन। इसका मैक्सिमम जो पीक टाइम होता है वो जून में होता है, 22 जून जो पिक टाइम होता है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग 10 जुलाई तक ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी भी मौसम, अभी देखें यहाँ पर 1 बज गया तकरीबन, फिर भी लाइट है, डे हल्का हल्का सा वो डिम है जी। तो यानी रोशन ही रह रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग रोशन है, तो रात का जो है ना वो गुमान ही होता है। तकरीबन ये 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक इनका ये बिल्कुल एकदम पिक डे लाइट होती है, जैसे डे लाइट, जैसे दिन में 3 बजे का 4 बजे का टाइम होता है, उसी तरह रात को भी यहाँ पर दिन में और 4 बजे वही रात के भी वही टाइम, वही डे लाइट होती है। तो बड़ा वो एक बड़ा अच्छा सीन होता है, साइट सीन बहुत अच्छे होते हैं, देखने वाला शहर है, सैर सैर और तफरी का शहर है। जी अभी
कितना टाइम लग जाएगा पहुंचने तक? 10-15 मिनट? हम तकरीबन 10-15 मिनट तक। चलें जी, थोड़ी देर तक हम वहां पहुंचते हैं, आपको रिवर दिखाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग का और ब्रिजेस के नज़ारे दिखाते हैं। अभी हम रोड पे जा रहे हैं और रोड का नज़ारा मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा दिखाया जाए, कितना खूबसूरत। आपको ये बिल्डिंग्स, आप यही समझें कि यूरोप में आए हुए हैं, आप यूरोप के किसी शहर में, जर्मनी में आए हुए हैं, फ्रांस में आए हुए हैं, और वो भी इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे। और ये बिल्डिंग के नज़ारे देखें ज़रा, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी सेंट पीटर्सबर्ग के। शेख साहब, ये नेवा रिवर है जो आ गया जी, ये नेवा रिवर है जो बिल्कुल सेंट्रल सिटी के अंदर से पूरे सिटी से गुजरता है। तो ये तकरीबन आप देखने के तकरीबन 4-5 किलोमीटर इसका मतलब ये, उसके बाद जाके सब रिवर में डिवाइड हो जाता है इसमें, फिर आगे। अच्छा, इस रिवर में शिप्स भी, बोट चलती हैं जो टूरिस्ट हैं, तो तकरीबन पूरे शहर का चक्कर लग जाता है पूरे शहर में। ये तकरीबन रिवर जो है ना हमारे पूरे शहर में घूमता है मतलब कि आप देखेंगे पूरे साइड एरिया से। जी ये जो ये जी ये नेवा रिवर है, ये बड़ा मशहूर है, ये घोड़े आप रात का 12:30 हो गया और रोशनी देख के। शेख साहब, ये चाय खाने जो है ना यहाँ किन किन ममालिक के ज़्यादा हैं? चाय खाना असल में ये सेंट्रल एशिया का वो है, जो मेन जो है इनका, तो सेंट्रल एशिया में हमारे काफ़ी उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान भी है, यानी सारे मिक्स हैं चाय खाने, हर एक कंट्री ने अपने अपने बनाए हैं। लेकिन इनका मेन जो है ना कंसेप्ट चाय खाना, चाय खाना में सब कुछ ये सेंट्रल एशिया का पूरा किचन आ जाता है। और शेख साहब, कितना टूरिस्ट आ रहा है पीटर में ये इन इन दिनों में, जो जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त है? टूरिस्ट अभी ये इस साल काफ़ी ज़्यादा आया है। अच्छा, तो ज़्यादा अभी जो मोस्टली जो टूरिस्ट अगर देखा जाए तो पूरे रशिया से टूरिस्ट पीटर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, इंटरनल कंट्री के अंदर मास्को से, पूरे दूसरे रशिया का अपना टूरिस्ट बहुत ज्यादा, रशिया का अपना दूसरे मालिक से कुछ कम होता है, मालिक से अभी कम आ रहा है। यूरोप वगैरह में तो सेंक्शन की वजह से आपको पता है कि सारा कुछ बंद है, तो इंडिया से, ईरान से, अरब मालिक से, यूएई से बड़े आ रहे हैं, यूएई से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। मतलब पूरा जो है ना अभी ये काफी ज्यादा इस साल अभी काफी ज्यादा टूरिस्ट पहले की निस्बत हुए जो अब देखें इंडिया से आ रहे हैं टूरिस्ट, जो मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, ये तो स्पाइसी के पसंद होते हैं, करते हैं, जो यूरोपियन तो नहीं इतने, इंडिया के और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की मांग है पीटर में? बिल्कुल, ये खाना हमारा, किचन हमारा तो खाना तो अच्छा है, टेस्टी है ना, बारबेक्यू हो गया हमारे, ये अपना फूड इंडियन पाकिस्तानी फूड होगी, और ये जितने भी आते हैं फिर ये दुबई से आ रहे हैं, जो भी अरब कंट्री से आ रहे हैं, फिर वो हलाल फूड ढूंढते हैं, हलाल फूड तो फिर हमारे पास है, फिर हम इसको एडवर्टाइज भी करते हैं, और हमारा खाना अच्छा है, और अरबी जितने भी है ये पाकिस्तानी इंडियन फूड को लाइक करते हैं जितने भी है। शेख साहब, कितने रेस्टोरेंट हो गए पीटर्सबर्ग में इंडिया के और पाकिस्तानी अंदाजन? टोटल असल 12 रेस्टोरेंट होंगे, लेकिन पाकिस्तान के रेस्टोरेंट माशाल्लाह हमारे अपने 3 रेस्टोरेंट हैं। ठीक है, तो और आपके अलावा पाकिस्तानी और कितने? हमारे अलावा और एक और है। अच्छा, एक और है जिसका एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, यानी 4 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो गए और 8 के करीब इंडियन हो गए। तो टूरिस्ट जो है लाइक करते हैं ज़्यादा, जो हमारे मिडल ईस्ट के, जो पाकिस्तान के, इंडिया के, पाकिस्तान से भी टूरिस्ट आ रहे हैं कि नहीं? बहुत कम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पूरा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से टूरिज़्म बढ़े,
तो पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की जो है सिटी की जो गवर्नमेंट की है, जो रशिया की गवर्नमेंट की, हम उनके साथ भी अभी पूरा ज़्यादा कोऑपरेट करके तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान से टूरिज़्म को बढ़ाएं, और हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से सही ओरिजिनल टूरिज़्म आए, सही लोग इंजॉय के लिए आएँ, देखें रशिया को, देखें तो रशिया बहुत खूबसूरत मतलब मुल्क है और उसमें देखने वाले हैं, सैर वी करने वाले मुल्क हैं। तो हम अभी भी बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर प्रमोट करें पाकिस्तान और रशिया के टूरिज़्म को, रशियन लोग भी पाकिस्तान में सैर तफरी के लिए। शेख साहब, दो हफ्ते के लिए अगर कोई पाकिस्तान से यहाँ टूरिस्ट आता है तो होटलिंग खाने पीने के ये आप बताइएगा लोगों को कि कितना महंगा है, कितना कैसा है। ले जी, ये सामने जो बिल्डिंग है इसका बताइएगा जी। ये म्यूज़ियम है, ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, ये तकरीबन पूरे आपके यूरोप से भी बड़ा म्यूज़ियम है। वो देखिए बड़ा रश लगा हुआ, अभी भी मेरा ख्याल खुला हुआ है। अच्छा ले जी, ये सामने हमारे ब्रिज हैं और राइट साइड पे आवाम है, ब्रिज खुलने का इंतज़ार कर रही है, और अभी हम यहाँ गाड़ी कहीं पार्क करेंगे और जो ही ब्रिज ओपन होगा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सेंट पीटर्सबर्ग का नज़ारा देखिए, आपको यूरोप भूल जाएंगे। जो सेंट पीटर्सबर्ग आ गया वो यूरोप का कोई भी मुल्क घूम के आया वो कहेगा वाकई जी। ये देखें दोनों साइडों पे, यानी उस साइड पे इधर तो आवाम इंतज़ार कर रही है, वो रिवर के उस साइड पे किनारे पे आवाम खड़ी है इंतज़ार कर रही है ब्रिज खुलने का। और यहाँ भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं लोग, म्यूज़िक पे डांस म्यूज़िक चल रहा है उस तरफ और डांस कर रहे हैं। ये देखते हैं पूरा किनारा जो है ना लोगों से खचा खच भरा हुआ है, वो देखिए। पर जो रिवर है इसके इस पे पहुंच गए हैं, जो वो मेरे सामने ब्रिज जो नज़र आ रहे हैं ना वो ओपन होने हैं, लेकिन ये जो नीचे टूरिस्ट शिप जा रहे हैं ये खचा खच भरे हुए हैं। आप देख रहे हैं और यहाँ से लाइनें लगी हुई हैं ब्रिज पे, ये शिप पे जाने के लिए, और ये सारे शिप जो है ना इसलिए रात को भरे हुए हैं कि ये इन्होंने ब्रिज ओपन होने का लाइव नज़ारा देखना रिवर के अंदर से। और ये जो आवाम खड़ी है साइडों पे, आसिफ सिद्दीकी साहब है मेरे साथ। आसिफ भाई, कितने बजे खुलेगा ब्रिज? 1:15 पे जी। और ये सारी आवाम देखने के लिए आई हुई है? जी जी जी, पूरे टूरिस्ट आए हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। और ये जो ब्रिज खुल रहा है ये कौन सा पुल है, नाम क्या है इसका? नहीं, कौन सा नाम है इसका? द्वार। और कितने देर खुला रहेगा ये? तकरीबन 1.5 घंटा 1.5 घंटा खुलता है। ठीक है, यहाँ से जो है ना शिप गुजरने हैं? जी जी, शिप गुजरते हैं, ये देखें ना आप सारी शिप। ये तो टूरिस्ट शिप है जी, ये देखिए अंदर इस वक्त इतने शिप है कि बाहर रोड पर गाड़ियाँ कम है, अंदर ज़्यादा है। हाँ जी, ये जो है ये सारे टूरिस्ट शिप हैं और बाहर जो है ना इतना रश नहीं जितना
रिवर के अंदर है और दूर दूर तक आपको इधर इस साइड पे उस साइड पे वो उधर जा रहे हैं इधर से और भरे खचा खच भरे हुए हैं शिप। हाँ जी ब्रिज खुलने का नज़ारा करने आए हैं जी। नेवी का हेडक्वार्टर रशियन में ले जी ब्रिज जो है ना ओपन हो गया। सेंटर वाला ही खुलेगा जी। सारी दुनिया देख रही है, इतने हज़ारों लोग नज़र देख रहे हैं। ये ब्रिज जो है ना ऊपर हो गया सारा। ये रोड है और ये ब्रिज। ये जितने शिप्स हैं ये टूरिस्ट सारे ब्रिज को देखने के लिए अंदर हैं और ये ब्रिज ओपन हुआ है और ये आवाम देखें। ये हमारे आसिफ भाई बड़े इन महाक से देख रहे हैं ब्रिज को। आसिफ भाई कैसा नज़ारा है? सुपर। सैकड़ों की तादाद में जो शिप्स हैं अंदर हैं रिवर के अंदर और टूरिस्ट नज़ारा कर रहे हैं। ये वाला ब्रिज ओपन हुआ है तो
शेख साहब भी नज़ारे कर रहे हैं जी, मौसम बहुत अच्छा है। हाँ जी, और इतना शेख साहब कैसा लग रहा है जनाब? यार ये हमारा सिटी इतना खूबसूरत है कि यूरोप का भी कोई मुकाबला नहीं है किसी भी शहर का। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत, अंदर कितने शिप और जहाज और लोग कितने इंजॉय कर रहे हैं, कितनी ज्यादा। तो हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं पीटर्सबर्ग को, यहाँ पर सारे तफरी के लिए आप इंजॉय करें। और रात का डेढ़ का टाइम हो गया, अभी डेढ़ दो बज गए और रोशनी देखे और लोग आवाम देखे। ये यहाँ पर तकरीबन डेली रोजाना का जून जुलाई अगस्त हमेशा ऐसा ही। नहीं, ये रोड है और ये जी ब्रिज, ये रोड इसके ऊपर पे देखें जी, सिक्योरिटी भी खड़ी है। हाँ भाई अबुल फा, कैसा नज़ारा लगा जी? बहुत अच्छा लगा जी, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाँ भी हैदर, बहुत लोग आए हुए हैं स्पेशल मॉस्को से यही देखने आए हूँ। हाँ भाई अबू जी माशाल्लाह, बहुत मज़ा, बहुत अच्छा। ये देखिए क्या नज़ारा है, इतने बहरी जहाज यानी शिप्स कह लें जो कश्तियाँ हैं टूरिस्ट की, कितनी कभी पहले देखी हैं ऐसे। और ये अब तो कम हो गई है ना, और ब्रिज जी। अभी ये तकरीबन दो ढाई घंटे के लिए ये खुला रहेगा ब्रिज, ऐसे ही लोग आ रहे हैं, अब लोग जाना भी शुरू हो गए हैं, ये नज़ारा देखने के लिए आए थे और हज़ारों की तादाद में दरिया के इस दोनों साइड पे हैं, इस तरफ भी और दरिया के उस तरफ भी। और इतना खूबसूरत नज़ारा और वाइट नाइट्स सेंट पीटर्सबर्ग की, दुनिया लुत्फानंदोज़ हो रही है। रशियन भी हैं यहाँ, फॉरनर भी हैं, और यकीनन आपको ये पसंद आया होगा मंज़र। रशिया आएँ और सेंट पीटर्सबर्ग ज़रूर आएँ, सेंट पीटर्सबर्ग ज़रूर आएँ। आसफ सदीकी भाई हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग की जानी पहचानी शख्सियत हैं, जनाब शेख नईम साहब हैं। आसिफ भाई क्या बताएंगे, जो हमारे पाकिस्तानियाँ इंडियन हैं, जो हमारे ट्रैवल विद घुमन के सब्सक्राइबर हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, उनको रशिया आए तो सेंट पीटर्सबर्ग आए क्या पैगाम देंगे, आना चाहिए? जी वो कहते हैं ना, जिसने सेंट पीटर्सबर्ग नहीं देखा वो चमिया नहीं। अच्छा, तो ये हाल है, ये नहीं, वो रशिया नहीं आया। वाइट नाइट्स जो है ना, ये सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग में होती है जी, पूरी दुनिया देखने आती है। गर्मियों में तो खासतौर पर आना चाहिए जी, ये शहर जरूर देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत। मास्को के बाद यानी मास्को की अपनी खूबसूरती है, हाँ। और सेंट पीटर्सबर्ग की अपनी, ये देखें दूसरी तरफ जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं उसके क्या नज़ारे हैं, और रोड्स देखें आप और क्या मंजर है, पुराना कल्चर है ना सारा, ये सब वही किया हुआ है, हिस्टोरिकल सिटी है। जी इमारतें जो है 300 साल पुरानी इमारतें, और इनको इसी तरीके से स्ट्रक्चर है, इनको कभी
इनके कानून के मुताबिक कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, हमेशा ऐसे ही रहेंगी ये सर। बाहर मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेश या स्पेंट वगैरह कर लिया, रंग रोगन, रंग रोगन कर लिया, बाकी इनकी कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। जितना भी सेंटर हर बिल्डिंग आप देखेंगे दूसरी बिल्डिंग से अलग है, इसका आर्किटेक्चर क्या बात है, हर बिल्डिंग का दूसरी बिल्डिंग से अलग से है। चलो मैं आपकी बुला दूंगा। ले जी, ट्रैवल विद गुनमन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर पसंद आया ये मंजर तो कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।